एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोना। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स, और जो हमारा टॉपिक पिछले कुछ वीडियो से चल रहा है वो है कोल्ड वॉर। हालांकि ये सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन इसको समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे वाले जो तो टॉपिक्स हैं वो इसको बिना समझे हम अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे और उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे हमें जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी तब। तो इसको शॉर्ट में हम समझ रहे हैं कोल्ड वॉर को कि क्या था, कब से स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, कौन कौन से इम्पोर्टेंट इंसिडेंट कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग हैपन हुए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियोस तक हम इसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हम गेन कर चुके हैं पहले। अब जो है उससे आगे हम चलने वाले हैं, आगे बढ़े उससे पहले आपको जो करना है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके उतना, और लाइक और कमेंट जो है वो भी आप कर सकते हैं और करना ही है। आप लाइक शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा जो एनर्जी है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है और आपको कुछ अच्छी चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो कर दीजिए सब्सक्राइब, इंतज़ार किस बात का है, और शेयर भी कर दीजिए तुरंत। और साथ ही साथ वीडियो को आपको पूरा देखना है जैसे सारी चीज़ें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डिफिकल्टी आपको उस समय फेस नहीं करनी पड़े जब आपको इन सब चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत। तो चलिए, अब पिछले वीडियोस तक हम ये देख चुके थे कि ये जो ईयर है 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है ना। तो ये जो डेट थी उसमें दो सुपर पावर्स, दो पावर सेंटर जनरेट हुए। कौन कौन से हुए? एक जो था वो था यूएस और एक हुआ यूएसएसआर। ये दो पावर ब्लॉक जनरेट हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक दोनों साथ थे, एक ही कैंप की तरफ से या एक ही ग्रुप से लड़े दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन जैसे 1945 में वो एंड हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों अलग अलग हो गए, दो सुपर पावर, और दोनों अपने अपने ग्रुप्स को इंक्रीज करने में लगे। अब आप ये आपके मन में ये विचार आ सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि जब दोनों सुपर पावर्स थी तो कोई भी एक सुपर पावर जो ज्यादा ताकतवर हो वो दूसरी सुपर पावर के ऊपर अटैक करके उसको हरा के फिर सिंगल सुपर पावर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि जो दोनों की न्यूक्लियर कैपेसिटी थी, न्यूक्लियर जो कैपेसिटी है दोनों की वो इतनी ज्यादा है कि एक यदि जैसे यूएस मान लीजिए, यूनाइटेड स्टेट जो है वो यूएसएसआर पे अटैक करता है तो ये बहुत पॉसिबल है कि इसको लॉस होगा, लेकिन कंप्लीट लॉस नहीं कर सकते एक साथ में। ऐसा नहीं कि यूएस ने अटैक किया और यूएसएसआर जो है वो जल्दी ही एक दिन में दो दिन में वो डिफीट हो गया, उसको हरा दिया और इसका जो अधिकार है, पोजिशन जो है वो यूएसएसआर पे हो गया। ये भी रिटेलिएट करेगा, ये भी प्रतिरोध करेगा, ये भी जवाबी कार्रवाई करेगा। और जब ये जवाबी कार्रवाई करेगा तो क्योंकि ये भी उतना ही कैपेबल है न्यूक्लियर वेपन के मामले में जितना कि ये है, तो लॉस जो है वो दोनों तरफ होगा। और केवल लॉस नहीं होगा, मेजर लॉस होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, न केवल लोगों का बल्कि प्रॉपर्टीज, एनवायरनमेंट और सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो इसलिए वो दोनों कभी भी आपस में फेस टू फेस वॉर करने के लिए नहीं आए जब तक कोल्ड वॉर चलता रहा। एक बार सिचुएशन जैसे कल हमने पढ़ा पिछले वीडियो में कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान सिचुएशन ऐसी बनी थी कि दोनों लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ले जाएंगे पूरे वर्ल्ड को, लेकिन वो फिर नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। तो अब ये जो है वो यूएस और यूएसएसआर ये दो मेजर पावर ब्लॉक्स बन गए 1945 के बाद में। तो अब दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग ताकतवर बनाने के लिए क्या करने लगे, वो कैंपेन चलाया उन्होंने अपने जो एलाइज थे, साथी जो थे, उनकी संख्या बढ़ाने। क्योंकि इस ईयर तक भारत जो है वो आजाद हुआ 1947 में, मतलब इस ईयर के बाद में जो देश जो ब्रिटेन के अधीन थे, अब ब्रिटेन के पोजिशन में थे या उनके गुलाम थे, स्लेव थे, वो धीरे धीरे फ्री होना शुरू हो गए। तो इन्होंने दोनों ने जो उनको आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे उनको अपनी साइड में करना शुरू किया। इन द ईयर ऑफ 1949 एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इसकी लीडरशिप में वो था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले जो कंप्लीट यूरोप है इसके दो पार्ट्स, बस ज्योग्राफिकली नहीं, ज्योग्राफिकली दो पार्ट नहीं हुए, इसके दो पार्ट बने, एक बना ईस्टर्न पार्ट और दूसरा बना वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट के जितने भी देश थे या वेस्ट के तरफ जो भी देश थे वो सारे यूएस के साथ में, और ईस्टर्न पार्ट जो था वो किसके साथ में था, यूएस के साथ, ओ सॉरी यूएसएसआर के साथ में। तो ये यूरोप को उन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया था ज्योग्राफिकली नहीं। वेस्टर्न कंट्री सारे चले गए यूएस के साथ में और ईस्टर्न कंट्री जो कि नेबरिंग कंट्रीज थे यूएस रशिया के, वो सारे यूएसएसआर में ज्वाइन हो गए, सम्मिलित हो गए। ठीक है, तो ये
ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस भी कहलाता है, मतलब इन दोनों के जो ग्रुप थे वो ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस भी कहलाते हैं। अब ये जो नेटो बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका लीडर जो है वो यूएसए है। कौन है? यूएसए। इसके 12 फाउंडर मेंबर्स थे। जब ये बना तो इसके अंदर कितने देश शामिल थे? 12। और आज जो है, मतलब ये 12 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में जो नंबरिंग है, काउंटिंग है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ी रही है। ये जो है, ये इसने भी ग्रुप बनाया था अपना, देश जो थे उसके साथ में थे, लेकिन इसके ग्रुप में जितने लोग थे या जितने कंट्रीज थे वो 1991 तक आते आते केवल कौन बचा? रशिया। बाकी सब तो टूट कर अलग हो गए, है ना। तो ये दोनों जो पावर, सुपर पावर्स हैं, उनके जो ग्रुप थे उनके बीच का डिफरेंस है। अब जब यूएसए जो था उसने नेटो का निर्माण किया या संगठन बनाया, तो अब इस यूएसएसआर के लिए कंपल्सरी हो गया कि वो भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो इसको काउंटर कर सके। तो उसने ये देखिए, नेटो जो था वो फॉर्म हुआ था 1949 में, और यूएसएसआर ने जो संगठन बनाया था वो क्रिएट हुआ 1955 में, और उसको कहा जाता है वॉर्सा पैक्ट। वॉर्सा पैक्ट कहा जाता है। तो ये दो मेजर सुपर पावर्स, ये इनके द्वारा जो लीड किए जाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन 1949 में नेटो बना और 1955 में वॉर्सा पैक्ट। ये एक तरह का समझौता है जिसके अंतर्गत जो कंट्रीज आते हैं उनका एक ग्रुप बना यूएसएसआर की लीडरशिप में, जो काउंटर करता था नेटो की जो एक्टिविटीज थी उनको। चलिए अब इससे आगे, अब मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि ये तो यूएसए है, वेस्टर्न यूरोप को इसने अपनी साइड में किया, यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोप को अपनी साइड में कर लिया, लेकिन एक दो कॉन्टिनेंट है हमारे वाले कॉन्टिनेंट, इस पे वो पोजिशन या अपना इन्फ्लुएंस डालना चाहते थे। तो यूएसए ने क्या किया, यहाँ एशिया जो महाद्वीप है इसके अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए, एक था सीटो और एक था, एक सीटो एक सेंटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इनके फुल फॉर्म है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएसए ने ये दो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो थे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर बिल्डअप किए उन्होंने, और इसके अंदर वो एशिया के जो जैसे मिडिल ईस्ट का पार्ट है और जो साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया है, इन सब के अंदर जो भी देश थे उनको उसने कवर किया। अब ये जैसे मान लीजिए इस ग्रुप में या इस ग्रुप में जो भी एशियन कंट्रीज इंक्लूड हुए या ज्वाइन जिन्होंने किया वो किस भरोसे पे किया? अब उसके पीछे कारण जो है वो ये है, ये दोनों ही देश जो भी इनके साथ में मिलते थे या जो सुपर पावर थी वो उनको प्रोटेक्शन का वादा करते थे, वेपन्स देने का प्रॉमिस करते थे, उसके साथ साथ इकोनॉमिक हेल्प, हेल्प का मतलब आप उसको हेल्प से ले सकते हैं। तो उन ग्रुप्स में या उन सुपर पावर के साथ में जाने के ये तीन मेजर रीजंस थे। एक तो ये चाहे ये यूएसए हो या फिर यूएसएसआर हो, वो जैसे मान लीजिए भारत ही, वैसे भारत किसी भी इन दोनों ही सुपर पावर से किसी भी ग्रुप में नहीं है, लेकिन मान लीजिए जैसे इंडिया जो है वो यूएसए के नेटो में शामिल होना चाहता है, तो उसके बदले में इंडिया को क्या मिलेगा? इंडिया को मिलेगा ये कि यूएसए प्रोमिस करेगा कि वो उसको प्रोटेक्शन देगा, वेपन्स देगा, और उसके साथ साथ उसकी इकोनॉमिक हेल्प भी करेगा, आर्थिक सहायता भी करेगा। अब ये सारी चीज़ें क्यों चाहिए? इकोनॉमिक हेल्प चाहिए डेवलपमेंट के लिए, और प्रोटेक्शन या वेपन्स जो है वो चाहिए किसके लिए? जो नेबर कंट्री जिनका डिस्प्यूट है इंडिया के साथ में, यदि कभी उनके साथ में क्लेश हो, कन्फ्रंटेशन हो, तो फिर कौन हेल्प करेगा? यूएसए। हालांकि हम किसी भी ग्रुप में नहीं है, हमने अपनी अलग दुनिया बसाई है, एशिया को तीसरी दुनिया भी कहा जाता है, पहला संसार, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया हमारी अलग सबसे। तो ये जो है नॉन अलाइन मूवमेंट का मेंबर है, फाउंडर मेंबर है इंडिया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, तो उसका लीडर है इंडिया, कि हम किसी भी गुट में नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है,
हम सबकी तरफ है और नहीं है तो किसी की तरफ नहीं। तो ये तीन चीजें मिलती हैं उस ग्रुप में या किसी भी सुपर पावर के साथ जाने पर, उस जो उसका अलाइड कंट्री होता था, सहयोगी देश जो होता था, उसको ये तीन चीजों का वादा किया जाता था, प्रोटेक्शन, वेपन्स और इकोनॉमिक एड और हेल्प। तो आप ये ध्यान रखिए कि यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो सुपर पावर्स हैं वो जो जिन कंट्रीज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करते थे या ज्वाइन करते थे, उनके साथ में क्या प्रॉमिस होता था, या वो कंट्रीज उनके साथ में क्यों ऐड करते थे या उनके अलायंस को क्यों ज्वाइन करते थे, तो ये तीन मेन रीजन्स हैं उस अलायंस को ज्वाइन करने के, प्रोटेक्शन, वेपन्स और इकोनॉमिक एड रिसीव करता था वो सुपर पावर से, चाहे वो इसके साथ में ऐड हो या फिर यूएसएसआर के साथ में ऐड। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे की प्रोसेस जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ये जो लेसन था वो क्योंकि सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसलिए थोड़ा अपन शॉर्ट में या इस तरह से पढ़ रहे हैं। केवल मैं इतना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है वो आपको ऐसे हाईलाइट हो जाए, आपके माइंड में रहे, जिससे कि जो हमारे काम का चैप्टर है नेक्स्ट वाला या नेक्स्ट जो टॉपिक है वो समझने में हमें दिक्कत नहीं। उसमें अपन प्रॉपर नोट्स लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर भी सोल्व करेंगे, ये जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे भी। लेकिन इसमें फिर ज़्यादा टाइम लेना ठीक नहीं है, तो इसको अपन ऐसे ही ऊपर ऊपर से थोड़ा देख लेते हैं, जिससे कि अगला टॉपिक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी डोंट वरी, सारी चीज़ें आपको यहीं मिलेंगी और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 11th के भी नाइन्थ का कोई कन्फर्म नहीं है, 10th तक मिलेगी। ठीक है, अपन जैसे कि चैनल का नेम इंग्लिश कोना है, तो आजकल थोड़ा इंग्लिश के वो वीडियो नहीं आ रहे हैं, वो डेफिनेटली आएंगे क्योंकि हमारा बेस ही वही है। ये तो हमने तरह से साइड बिजनेस शुरू किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।